Hey everyone, please subscribe to the channel and press the bell icon to stay connected with Mom's Healthy Kitchen. बनाने फ्रूट केक इंग्रेडिएंट्स वही लीजिए टू एग वन बोल मैदा थ्री टेबलस्पून आइसिंग शुगर टू टीस्पून वेनिला एसेंस वन टेबलस्पून बेकिंग पाउडर 100 ग्राम मुरब्बा ले लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डेट यानी खजूर ले लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। किशमिश 25 ग्राम, काजू 25 ग्राम, दो मीडियम साइज के एप्पल ले लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसके अलावा आप दूसरे फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और रिफाइंड ऑयल। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें नमक डाल के नमक को फैला लेंगे और उसमें इस तरीके का एक स्टैंड रखेंगे और इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। मिक्सिंग बोल में एक एक करके 2 एग ले लेंगे, 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ले लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल या बटर ले लेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक ये फ्लफी और लाइट ना हो जाए। टू टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, इससे एक का स्मेल नहीं रहेगा। इसे अच्छे से मिला लेंगे। सूखे इंग्रेडिएंट्स सब छान के डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, टिक्की भर नमक और 1 बोल फ्लावर को ऐड कर देंगे और अच्छे से स्प्रिंकल करके डाल देंगे। इसे कट एंड फोल्ड स्टाइल से मिलाएंगे। धीरे धीरे मिलाना है, नहीं तो हमारा केक टूट जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क अपने अकॉर्डिंग मिला लेंगे। एक बोल में डेट्स मुरब्बा एंड एप्पल ले लेंगे, 1 टीस्पून फ्लावर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेथड इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो केक में अगर ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो ड्राई फ्रूट्स नीचे आके केक के नीचे आके जल जाएंगे। ये करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स फैले रहेंगे। अब बैटर में हम इसे मिक्स कर देंगे और याद रखिएगा फ्रूट केक की बैटर थोड़ी थिक होती है। एक केक टिन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल फैला लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा फ्लावर इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और एक्स्ट्रा फ्लावर फेंक देंगे। अब केक बैटर को डाल देंगे और अच्छे से टैप करके एयर बबल्स निकाल लेंगे। अब हम अवन में केक को डालेंगे और पहले 5 मिनट हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम लो में रखेंगे 35 मिनट तक। मेरा केक बनके रेडी है। केक बनाते समय आप बीच में चेक कर लीजिए चाकू या टूथपिक से। अगर टूथपिक या चाकू क्लीन निकले तो सोचिए कि आपका केक बनके रेडी है। को ज़्यादा या कम टाइम लग सकता है। अगर आप ये अवन में बेक करें तो 180 डिग्री में 30 मिनट तक बेक कीजिए। केक बनके रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।